जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम आज पढ़ रहे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसकी जो डेफिनेशन है पहले हम वो स्टडी करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर या थोड़ा सा किसी हद तक लिक्विड के अंदर इमर्स करेंगे ना, तो उस बॉडी के ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगी, एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगी, लगेगी। वो जो अपवर्ड फोर्स है वो वेट ऑफ लिक्विड के इक्वल होगी जो भी वो बॉडी अपने नीचे से हटा रहा है। ठीक है, जाहिर बात है जब भी बॉडी किसी लिक्विड में जाता है तो अपने नीचे से लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो जितना उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट होगा उतना ही फोर्स अपवर्ड उस बॉडी के ऊपर लग रही होगी, जिसे हम अपथ्रस्ट का नाम देंगे। अपथ्रस्ट डेफिनेशन देख लें प्रॉपर। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बाय वाटर और लिक्विड व्हेन एनी बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड। जब भी किसी बॉडी को वाटर के अंदर इमर्स किया जाएगा ना, तो वाटर जो उस बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है उसे हम अपथ्रस्ट का नाम देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। अब ये फिगर समझते हैं जो कि मैंने है मिसाल के तौर पर, इम्पॉर्टेंट फिगर है ये। हमारे पास एक बड़ा बीकर है, उसको हमने वाटर के साथ फिल किया हुआ है। ये जो लेवल है ये वाटर लेवल को शो कर रहे हैं। इसके अंदर हमने एक और सिलेंडर, एक और ऑब्जेक्ट इमर्स किया है। ठीक है, वो जो हमने इमर्स किया है उस ऑब्जेक्ट की जो अपनी हाइट है ना वो एच है। ठीक है, अब इसका जो ये टॉप फेस है, टॉप फेस से वाटर लेवल तक का जो डिस्टेंस है उसे हम हाइट एच वन कह रहे हैं, डेप्थ कह रहे हैं। ठीक है, डेप्थ फ्रॉम टॉप फेस ऑफ सिलेंडर टू दी वाटर लेवल और वाटर सरफेस। ठीक है, उसके बाद ये जो एच टू है ये डेप्थ ऑफ वाटर फ्रॉम बॉटम टू दी वाटर सरफेस। ठीक है ना, ये बॉटम फेस से वाटर सरफेस तक की जो ये डेप्थ है इसे हम एच टू का नाम दे रहे हैं। ठीक, अब ये देखें, हमें मालूम है एच टू टोटल है, यहाँ पर आ रहा है एच टू, इस कंपोनेंट एच वन और ये एच इस किस्म के इक्वल है ना, तो लिहाजा एच टू इज इक्वल टू एच वन प्लस एच। अगर हमें ऑब्जेक्ट की हाइट देखनी हो, ये जो इमर्स किया था सिलेंडर इसकी हाइट देखनी हो, तो एच इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन। एच वन को इस साइड पर ले आएंगे, इधर प्लस था इधर माइनस हो जाएगा, एच टू माइनस एच वन। जी जैसे कि पहले बताया कि एच वन इज द डेप्थ ऑफ टॉप फेस ऑफ इमर्स सिलेंडर फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, एच टू डेप्थ ऑफ बॉटम फेस ऑफ सिलेंडर फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर एंड एच इज द हाइट ऑफ इमर्स सिलेंडर। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें मालूम है कि प्रेशर इन लिक्विड्स में एक फार्मूला है पी इज इक्वल टू रो जी एच, के लिक्विड्स में जो प्रेशर है वो डेप्थ के लिहाज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। तो लिहाजा अगर हम डेप्थ एच वन की बात करें फ्रॉम फॉर टॉप फेस, तो वहाँ पर प्रेशर पी वन होगा, सो रो जी एच वन। रो डेंसिटी है लिक्विड की, जी की वैल्यू आपको मालूम है कांस्टेंट होती है, लिक्विड की डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है, एंड एच वन इज हाइट अबव द टॉप फेस, इसलिए हमने यहाँ पर एच लिखे हैं। प्रेशर एच के लिहाज से वेरी करेगा। इसी तरह पी टू के लिए रो जी एच टू, अगर हम हाइट एच टू बॉटम फेस की बात करें तो लिहाजा पी टू इज इक्वल टू रो जी एच टू। सो पी वन इक्वल टू रो जी एच वन एंड पी टू इक्वल टू रो जी एच टू। हम जानते हैं कि पी वन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एफ वन होगी डिवाइड बाई एरिया। एरिया के साथ हमने ए वन या इधर ए टू नहीं लिखा, क्योंकि एरिया दोनों जगह पर कांस्टेंट है, जो जो सिलेंडर है वो यूनिफॉर्म शेप का है, उसका जो एरिया है बॉटम एंड टॉप फेस दोनों जगह पर सेम है, इसलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं है ए वन ए टू, एरिया क्योंकि इक्वल है। सो पी वन इज इक्वल टू एफ वन डिवाइड बाई ए, पी टू इज इक्वल टू एफ टू डिवाइड बाई ए। सो लिहाजा पी वन की जगह पर हम लिखेंगे एफ वन डिवाइड बाई ए इक्वल टू रो जी एच वन। एफ वन को हेयर यहाँ पर लिखें, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें,
रो जी एच वन डॉट ए। इसी तरह इस साइड पर भी ये देखें पी टू एफ टू डिवाइड बाई ए फोर्स पर यूनिट एरिया एफ टू डिवाइड बाई एक्वल रो जी एच टू, ये टर्म वैसे लिख दी, एफ टू को इधर लिख दें लिहाजा रो जी एच टू इस एरिया को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ए के साथ। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर वन बन गई है एफ वन इक्वल रो जी एच वन डॉट ए इक्वेशन वन एंड एफ टू इक्वल रो जी एच टू डॉट ए इक्वेशन नंबर टू। हम क्या करेंगे कि इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट करें किससे, इक्वेशन नंबर टू से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्राम इक्वेशन टू। सो लिहाजा इक्वेशन टू इज एफ टू माइनस एफ वन इक्वल टू रो जी एच टू डॉट ए माइनस रो जी एच वन डॉट ए, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट की है तो राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये टर्म पहले आएगी एफ टू की रो जी एच टू डॉट ए, फिर माइनस लगाएंगे और एफ वन की वैल्यू है रो जी एच वन डॉट ए वो लिख दी। अब हमें मालूम है कि ये जो फोर्सेस में डिफरेंस है ये अप थ्रस्ट फोर्स के इक्वल है, और यहाँ पर देखें इस साइड पर तो इस साइड पर कॉमन क्या आ सकता है, रो जी एंड ए दोनों टर्म्स में सेम है, तो लिहाजा रो जी ए ब्रैकेट में लिखेंगे एच टू रह गया यहाँ से और इस साइड पर एच वन ये ब्रैकेट में आ गया। ठीक, तो क्योंकि हमें मालूम है एच टू माइनस एच वन एच के इक्वल है लिहाजा एच टू माइनस एच वन की जगह पर हमने एच लिख दिया, तो हमारे पास अप थ्रस्ट जो है वो रो जी ए डॉट एच बन गया। अब हमारे पास ए डॉट एच या ए मल्टीप्लाइड बाई एच, एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ द सिलेंडर, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें ना तो ये कहते हैं इनका प्रोडक्ट एरिया और हाइट का जो प्रोडक्ट है ना वो वॉल्यूम का इक्वल है। कैसे है? जैसा कि आपको मालूम है एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर और हाइट का यूनिट क्या होता है मीटर, तो लिहाजा मीटर स्क्वायर डॉट मीटर मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम का यूनिट दे रहे हैं ना, वॉल्यूम की डिमेंशन दे रहे हैं एरिया और हाइट का प्रोडक्ट, इसलिए हम एरिया और हाइट के प्रोडक्ट की जगह पर वॉल्यूम लिख देंगे। सो अप थ्रस्ट इक्वल टू रो जी वैसे और एरिया और हाइट का प्रोडक्ट किसके इक्वल है वॉल्यूम के। अब स्टेटमेंट में था कि अप थ्रस्ट जो है वो किसके इक्वल है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, आपने आंसर दे दिए हैं, आपने कैलकुलेशंस डेरिवेशंस भी यहीं तक करनी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अप थ्रस्ट फोर्स होती है जो कि वेट के इक्वल होनी चाहिए, तो क्या ये साइड जो है बेसिकली ये रो जी वी ये वेट ऑफ लिक्विड के इक्वल है। अब ये कैसे इस साइड पर वेट के इक्वल है वो हम बताते हैं। देखें अगर अप थ्रस्ट फोर्स है इसका यूनिट न्यूटन है तो इस साइड पर भी तो यूनिट न्यूटन ही होना चाहिए ना, क्योंकि वेट का यूनिट भी तो न्यूटन होता है ना, तो इस साइड पर न्यूटन यूनिट कैसे आ सकते हैं मैं वो बता देता हूँ आपको, क्योंकि अप थ्रस्ट ऑन बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल, हम जानते हैं कि अप थ्रस्ट फोर्स है उसका यूनिट न्यूटन है, इस साइड पर है रो जी वी तो रो जी वी लिख दिया। हमें मालूम है डेंसिटी क्या होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो मास की यूनिट क्या हुआ किलोग्राम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो डेंसिटी की जगह पर कौन सा यूनिट लिखेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब। अब ये देखें कि मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब काट दें तो क्या बच जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के इक्वल कैसे है, देखें हमें मालूम है एफ इक्वल टू एम ए, मास का यूनिट क्या है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये फोर्स की यूनिट न्यूटन के इक्वल है ना, तो लिहाजा इस साइड पर न्यूटन है तो इस साइड पर भी न्यूटन आ गया ना, तो इसका मतलब है कि रो जी वी का यूनिट क्या हुआ न्यूटन जो कि वेट के इक्वल है। समझ आ गई, तो इस तरह जो है हम कह सकते हैं अप थ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाई बॉडी दैट वाज इमर्स्ड इन लिक्विड। ठीक है,